आज हमारे एसपी जींद के साथ मीटिंग थी। मीटिंग बड़े अच्छे माहौल में संपन्न हुई और मीटिंग में चर्चा थी कि एसपी साहब ने खुद जो आपकी मजबूती है उसको कबूल किया और ये कहा कि मैं आपको प्रदर्शन करने से नहीं रोकूंगा, लेकिन प्रदर्शन की बात है। जैसे हमारे शुभ किसान मोर्चा की तरफ से कुछ नया संदेश आया है, साथियों आपने अखबार के माध्यम से भी पढ़ा होगा, प्रेस नोट जारी हुआ है और खुद एसपी साहब ने कॉपी हमारे को दी है। लेकिन हमने एसपी साहब को कहा है कि हमारी शुभ किसान मोर्चा की कमेटी आएगी, उसके साथ हम मीटिंग करेंगे, उसके बाद जो भी आगामी निर्णय होगा उसमें सोच समझ कर संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी से सवाल जवाब करके हम अपने भाइयों को, किसान भाइयों को, माता और बहनों को, सभी को बताएंगे और उसी के अनुरूप हम कार्य करेंगे। साथियों कुछ संख्याएं हैं इस प्रकार की, क्योंकि जैसे हमारे 5 दिन खराब हो गए टुहाना के अंदर, ये तो आपकी अनुशासन, धैर्य और एकता जो आंदोलन की सबसे बड़ी ताकत होती है। आपकी सबसे बड़ी ताकत के कारण हमारे उन भाइयों को छोड़ा गया और जो मुफ्त में थे उन पर वो भी वापस लिए गए, लेकिन सरकार की सोच थी कि हमारे अंदर फूट डाली जाए और केंद्र बिंदु दिल्ली की बजाय हिसार में, फतेहाबाद में या जींद के अंदर बनाया जाए। इसलिए सरकार अपने मंसूबों में आपकी सूझबूझ के कारण और जो संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी कमेटी है उसकी सूझबूझ के कारण ये सरकार अपने मंसूबों में सफल नहीं हुई। इसलिए हमारे सभी किसान भाई उन्होंने छोड़ने पड़े, मुफ्त में भी वापस लेने पड़े। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा भाई, हमारी संयुक्त किसान मोर्चा या लोकल कमेटी जो भी फैसला ले उस पर सभी फूल चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ साथी गुमराह हो जाते हैं। हमारे अंदर भी बीजेपी के, जेजेपी के और दूसरी पार्टियों के जो लोग इस आंदोलन को खराब करना चाहते हैं वो घुस जाते हैं और उनकी बात मानकर हमारे नौजवान साथी गुमराह हो जाते हैं, कुछ किसान भाई भी गुमराह हो जाते हैं। इसलिए किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आपकी जो लोकल कमेटी या संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी जो भी निर्णय ले उसी के अनुरूप हम सभी ने कार्य करना है और उस पर फूल चढ़ाने हैं। साथियों टुहाना के अंदर भी कुछ इस प्रकार की बात हुई थी, लेकिन मैं उसको ज्यादा तुल नहीं दूंगा, क्योंकि जो हो जाता है उस पर हमारा संयुक्त किसान मोर्चा मिट्टी डाल देता है और हमारी लोकल कमेटी भी। हमें अपने आंदोलन को शांति से, धैर्य से और अनुशासन से आगे बढ़ाना है, क्योंकि ये मोदी सरकार तानाशाही सरकार है, घमंडी सरकार है, ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ भी षड्यंत्र रच सकती है। हमने उन षड्यंत्रों से भी बचना है और इस आंदोलन की लड़ाई भी लड़नी है। साथियों जैसे हमारा ये आंदोलन चला हुआ है, लेकिन ये खट्टर सरकार तरह तरह के नए फरमान भी जारी करती है। जैसे आजकल आपने देखा होगा अखबारों में कि ट्यूबवेल कनेक्शन का मामला बड़ा जोर शोर से विपक्ष ने भी उठा रखा है। उसमें सरकार ने ये किया है कि जहां 25 व 30 मीटर गहरा पानी है ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान भाइयों को नहरी विभाग से एनओसी लेनी पड़ेगी। साथियों ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, नए नए फरमान जारी करती है और एनओसी सिंचाई विभाग किसी को नहीं देता, ये भी सच्चाई है। इसलिए जो ये नया आदेश पारित किया सरकार ने, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और साथियों जो हमारे को ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार गुमराह करती है, इसके भी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार को चेतावनी देते हैं कि इस प्रकार की जो गुमराह की नीति है
वो ना की जाए और हमें भी इस सरकार की जो नीति और नीत है उसको समझना होगा। और साथियों, अब जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर आप लोगों ने, किसान भाइयों ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने एकता दिखाई और वहां पर सरकार ने मुंह की खानी पड़ी। इसी प्रकार 5 स्टेटों के अंदर इलेक्शन है तो वहां पर भी जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा हमारी संयुक्त किसान मोर्चा की टीम वहां पर जाएगी और इस बीजेपी को हराने का काम करेगी। और साथियों, जैसे आज प्रशासन के साथ जो मीटिंग थी हमारी, उसमें हमने एसपी साहब को ये बात भी क्लियर कर दी है कि जब लग हमारे बीच में संयुक्त किसान मोर्चा की टीम नहीं आती, जब तक हमारा फैसला जो पहले वाला था वही लागू रहेगा और उसी प्रकार हम अपना विरोध जारी रखेंगे। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। और साथियों, जो आपने टुवाणा के अंदर ये जीत हासिल की, हिसार के अंदर जीत हासिल की, इसके लिए सभी बुजुर्गों को, किसानों को और हमारी नारी शक्ति को विशेषकर बधाई भी देता हूं और हार्दिक आभार भी व्यक्त करता हूं। इसलिए अब मैं दो नारे लगाऊंगा, संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, किसान मजदूर एकता, इंकलाब, तीनों काले कानून, महिला शक्ति, बुजुर्ग शक्ति, भारत माता की जय हिंद।